सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार 5G को लेकर एक्साइटेड तो हम सभी रहते हैं, तो यहाँ दोस्तों आ गए हमारे पास में ये ऑल न्यू Realme Narzo 30 Pro 5G स्मार्टफोन। और यहाँ दोस्तों ये जो फोन है बड़ा ही खास है, क्योंकि ये है इंडिया में सबसे कम कीमत पे आने वाला एक बहुत ही शानदार सा 5G फोन। आज दोस्तों जो करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं कैसा है ये फोन, मजा बहुत आने वाला है। आप सभी का भी लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करते हैं इसी Realme Narzo 30 Pro 5G के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों Realme ना मतलब सही में धमाका कर रहा है Narzo के साथ में। और यहां पर दोस्तों ये है हमारे पास में Narzo 30 Pro 5G स्मार्टफोन, मतलब इंडिया का सबसे कम कीमत पे अवेलेबल 5G फोन दोस्तों है। कुछ ऐसा है इसका बॉक्स जहां पे सामने बड़ी बड़ी Narzo की ब्रांडिंग लिखा है, Narzo 30 Pro 5G। पीछे दोस्तों यहां पे हमारे पास में कुछ और डिटेल्स हैं इसी फोन के बारे में, जहां पे बात होती है इसी में लगे हुए Dimensity 800U प्रोसेसर के बारे में। साथ दोस्तों फिर है यहां पे 120 हर्ट्ज का एक अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले। इसके अलावा दोस्तों यहां पे 30 वॉट्स की जो है वो हमको मिल जाती है फास्ट चार्जिंग 5000mAh की बैटरी के साथ में। फिर दोस्तों यहां पे 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सिस्टम, और ये है हमारे पास में स्वॉर्ड ब्लैक कलर में, जहां पे 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है। बॉक्स पे ऑल दो यार जो प्राइस है थोड़ी सी ज्यादा ही लिखी है, आपको दोस्तों बता दूंगा वीडियो में आगे इसकी सही कीमत क्या है। फिलहाल यार मुझे कर रहे जल्दी से इसकी सील ब्रेक, और दोस्तों आप करते हो जल्दी से अभी का अभी वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब। तो यहां पर दोस्तों जैसे हम करते हैं ओपन बॉक्स को, सबसे ऊपर हमारे पास में ये एक सेक्शन फील द पावर के साथ में, पावर को फील करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर दोस्तों इसी के साथ में अंदर हमारे पास में है ये कुछ छोटी मोटी ज्ञान की बातें। फिर है ये एक केस फोन की प्रोटेक्शन के लिए। नीचे दोस्तों यहाँ पे रखा है हमारे पास में यही मेन Realme Narzo 30 Pro 5G स्मार्टफोन। और बात दोस्तों अगर करेंगे इसी के बारे में आगे बढ़ते हुए, साथ में है 30 वॉट्स आउटपुट वाला Realme का डार्ट चार्जर, तो यार ये इस फोन को बहुत ही तेजी से रिचार्ज कर देगा। फिर दोस्तों है हमारे पास में USB A to USB C केबल, और फाइनली है नीचे ये मेरा पर्सनल यू नो वेपन ऑफ चॉइस एक सिम ट्रे टूल। यहाँ पे दोस्तों फोन की प्रोटेक्शन को रिमूव करते हैं, तो कुछ ऐसा दोस्तों है यहाँ पे इसी का मैट फिनिश में ये एक फर्स्ट लुक, जहां पे आपको टू टोन दोस्तों जो है वो थोड़ा सा डिजाइन देखने को मिलता है, हल्का सा ग्रे सिल्वर साइड भी है दोस्तों, नीचे आपको हल्का सा ब्लैक फिनिश भी मिलती है। और फिलहाल दोस्तों अगर करते हैं इसको बूट, हम बात करते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में। अगर खैर दोस्तों कर लें शुरुआत सीधा फिजिकल ओवरव्यू के साथ में, तो आपको फोन में राइट साइड में दोस्तों हमें मिल जाता है ये एक पावर लॉक अनलॉक बटन, जिसके साथ में हमको एक इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। तो यार ये ना कई बार चीजें बहुत ही कन्वीनियंट बना देता है। साथ में दोस्तों हम देखते हैं ऊपर की तरफ, तो हमारे पास में सेकेंडरी माइक्रोफोन अवेलेबल है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास में एक हाइब्रिड सिम ट्रे अवेलेबल है। अब बेहतर होता अगर दोस्तों यहां पे हमको एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाता। बाय द वे इसी के साथ में है बटन्स वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए। फोन में नीचे हमारे पास में यही हेडफोन जैक, प्राइमरी माइक, USB-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। यहां पे दोस्तों जो पीछे का डिजाइन है ना, ये मतलब एक मैट फिनिश के साथ में आता है, जहां पे आप फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है वो बहुत ही कम देखेंगे, तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है। यहां पे दोस्तों पॉलीकार्बोनेट से बना है, और हमारे पास में लगा है एक 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम, जहां पे प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का। फिर है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मतलब सीधा वाइड एंगल शॉट्स के लिए। फिर है बहुत जो जरूरी होता है ना, 2 मेगापिक्सल का कैमरा मैक्रो शॉट्स के लिए। साथ में एलईडी फ्लैश है, नीचे है Narzo डिजाइन बाय Realme वाली ये ब्रांडिंग। यहां दोस्तों फोन में ना मतलब सामने की तरफ ये बहुत सही काम किया दोस्तों Realme ने, जहां पे हमारे पास में है एक 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, और यहां पर दोस्तों ये आता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगेन दोस्तों यहां पे 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी है, और ये आता है इसी छोटे से पंचोल वाले स्टाइल में, जहां पर दोस्तों लगा है एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, तो यार ये एक बहुत ही सही सीन है। आपको दोस्तों ऑलमोस्ट ये जो है एक्सपीरियंस डिस्प्ले का बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और अगेन दोस्तों यहां पे आप देखेंगे कि आपको बहुत ही एक जो है वो क्या मैं बोलूंगा इसको फेमिलियर दोस्तों सिस्टम मिलता है, क्योंकि यहां पे आपको मिलता है Realme UI, और ये फिलहाल बेस्ड है Android 10 पे। अब आती है मजे की बात, जहां पे दोस्तों इसमें लगा है MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर। यहां पर दोस्तों आपको 5G का सपोर्ट मिलता है, न सिर्फ 5G, यहां पे आपको 5G प्लस 5G दोस्तों ड्यूएल 5G का सपोर्ट मिलता है, ड्यूएल सिम ड्यूएल 5G, तो यार ये एक बहुत ही सही बात है। और यहां पर दोस्तों प्रोसेसर जो है वो कितना पावरफुल है वो तो खैर कोई बात छुपी नहीं है आप सबसे। जहां पर दोस्तों यहां पर इसके अंदर दो अलग अलग वेरियंट है, 6GB रैम 64GB स्टोरेज, या फिर साथ में 8GB रैम के लिए दोस्तों 128GB वाला स्टोरेज वेरियंट, और साथ में दोस्तों 5000mAh की बड़ी बैटरी है, 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग भी है। और इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो आपको फोन में वही Realme यू नो UI
के बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे अगर आपसे दोस्तों बात करता हूँ फिर मैं कैमरा की, तो अगेन जो मोड्स हैं उसमें तो फिर आप डूबते चले जाओ दोस्तों, डूबते चले जाओ, आपको इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। भैया हो जाओ कन्फ्यूज कि जो फोटो खींचनी है तो मोड कौन सा यूज करें, भैया कहाँ पे क्लिक करके फोटो खींचे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्रिएटिविटी एकदम भरपूर मिलने वाली है, आप अपने मनपसंद मोड्स को यूज कर सकते हैं। जहाँ पे फिलहाल क्या दोस्तों ये कुछ कैमरा सैंपल्स हैं, इसी मैंने फोन को यूज करते हुए जब फोटोज क्लिक करी रियर कैमरा से और फ्रंट कैमरा से, तो कुछ ऐसे दोस्तों फोटोज निकल के आई हैं सामने। जहां पे अगर आपसे दोस्तों मैं बात करता हूं फर्स्ट लुक में, तो डेफिनेटली जो कैमरा क्वालिटी है वो मैं कहूंगा कि बहुत ही सही है इसी रियलमी नार्जो 30 प्रो 5G। लेंस ज्यादा हो गया बट एनीवेज, वैसे यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों सिस्टम जो है वो बाकी चीजों का भी काफी सही लग रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे जो फिंगरप्रिंट दोस्तों स्कैनर है ये बड़ा ही फास्ट है कि आपको फोन को लॉक ऐसा है, आप सीधा दोस्तों टैप कीजिए इसको, तो टैप करते सीधा इंस्टेंटली जो है वो अनलॉक हो जाता है। तो मतलब ये काफी फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो यूज किया है रियलमी ने इसी फोन में। साथ में दोस्तों फेस अनलॉक वाला सिस्टम है वो भी बहुत ही फास्ट है, तो मतलब आप बड़े आराम से दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे दोस्तों क्योंकि आपको ये छोटा सा बस पंचोल मिलता है, तो मतलब इसके अलावा जो बाकी पूरा स्क्रीन का मिल जाता है काफी अच्छा एक्सपीरियंस। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी है, आप दोस्तों जो गेम्स वगैरह खेलेंगे उनका मजा काफी आने वाला है, और इनफैक्ट जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल के लिए खैर एक बार थोड़ा सा ना म्यूजिक कंज्यूम कर लेते हैं। क्या सुर लगाया भाई, मैं तो फैन बन गया हूं यहां पे। तो यहां पे दोस्तों अगर कुछ ऐसी है कहानी इसी Realme 30 Pro 5G स्मार्टफोन की। अब यहां पे दोस्तों ये जो Realme का Narzo 30 Pro 5G स्मार्टफोन है, ये आपको बता दूं कि इंडिया में सबसे कम कीमत पे अवेलेबल मासेस के लिए दोस्तों एक काफी अफोर्डेबल 5G फोन है। जहां पर दोस्तों कीमत है शुरुआती वो है 16,999 रुपए, और यहां पर दोस्तों इसका जो दूसरा वाला वेरिएंट है यहां पे 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, उसकी कीमत है 19,999 रुपए। तो यहां पर दोस्तों 16999 664 या फिर 19999 8128 दोस्तों आप दो अलग अलग वेरिएंट्स के बीच में चूज कर सकते हैं। जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, और ऑल्दो ये एक आईपीएस डिस्प्ले है, AMOLED दोस्तों अगर होता तो और ज्यादा ही मजा आ जाता, फिर चाहे बेशक 60 हर्ट्ज का कौन होता, लेकिन दोस्तों यहां पे ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा गेमिंग की तरफ भी दोस्तों इसको फोकस किया गया, इसलिए आपको एक हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। और अगेन जो आपको डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर मिलता है यार वो भी बहुत ही सही बात है। तो यहां पे दोस्तों कुछ ऐसी है कहानी इसी Narzo 30 Pro 5G स्मार्टफोन की। नाम याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, प्राइस याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, इतनी सारी बातें याद रखना बड़ा मुश्किल काम है एक वीडियो में। तो फिलहाल दोस्तों खैर यहां पे हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट इसी वीडियो के एंड में, जहां पे ये बातें खैर खत्म हो गई है इसी फोन की। आप दोस्तों बताओ नीचे कॉमेंट करते हुए कि आपको ये फोन कैसा लगा, और मतलब आप क्या कहते हो इस फोन के बारे में, बिकॉज आगे दोस्तों खैर फ्यूचर में डेफिनेटली हम देखेंगे कि जो 5G है वो और ज्यादा 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 कम कीमतों के साथ में हमको अवेलेबल मिलेगा। और अगेन दोस्तों यहाँ पे जो बैंड्स हैं वो भी जो है वो ज्यादा अवेलेबल है अगर आप कंपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल Xiaomi वगैरह के फोन से, और वो एक थोड़ी सही बात है कि थोड़े से आपको जो है वो और एक्स्ट्रा बैंड्स मिल रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि इंडिया में जो है 5G हम कब इसका मजा उठा पाते हैं, और बाकी Realme की तरफ से हमको और 5G वाले फोन्स कब देखने को मिलते हैं। वैसे चीज जो है कुछ ऐसी है Realme Narzo 30 Pro 5G, एक और बार मैंने बोल दिया लगातार। फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।